नमस्कार, स्वागत है आप सभी का टारगेटपुर में। आज इस वीडियो के माध्यम से क्या देखेंगे, झारखंड सचिवालय अर्थात सीजीएल का जो खोरठा सिलेबस है जिसमें से एक बुक आपका है निबंध। तो निबंध का पहला निबंध है सौ टाए चली है। तो सौ टाए चली है जो कि बहुत ही क्या कहते हैं एक बैंग टाइप का निबंध है, काफ़ी अच्छा लगेगा पढ़ने में। तो हम लोग पढ़ेंगे सौ टाए चली है। उससे पहले आपको बता दें कि अगर आपको झारखंड सचिवालय में झारखंड सीजीएल में कहने का मतलब है अच्छा नंबर लाना है, मेरिट में शामिल होना है, तो आप जो लैंग्वेज पेपर है उसमें विशेष ध्यान दें। कहने का मतलब अगर 100% मेहनत होता है तो 75% मेहनत आप लैंग्वेज पेपर में करें और 25% मेहनत आप जीएस पेपर में करें। ज़्यादा से ज़्यादा आप लैंग्वेज पेपर में करें, ठीक है। अब लैंग्वेज पेपर आप जो रखें, चाहे वो आपका खोरठा हो, नागपुरी हो या फिर जो भी हो, तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि टारगेटपुर की टीम लगातार आप लोगों को खोरठा का क्लास एप्लीकेशन में प्रोवाइड कर रही है। और सचिवालय सीजीएल में खोरठा के सिलेबस में 11 बुक आपको पढ़ना है। 11 बुक में कुछ आपका नाटक है, खोरठा में कुछ नाटक है, एक निबंध है, फिर कहानी है और उपन्यास है, और इसके अलावा संस्मरण है, आत्रा वृत्तांत है। तो 11 बुक आपको पढ़ना है। तो टारगेटपुर की टीम क्या कर रही है, एप्लीकेशन में पर डे क्लास जो है सो पर डे वीडियो अपलोड कर रही है, और प्रत्येक चैप्टर के साथ ही उसका अंत में क्या किया जाता है, क्वेश्चन आंसर प्रोवाइड कर दिया जाता है। तो अभी तक अगर आप एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किए हैं तो एप्लीकेशन क्या करें, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप डाउनलोड कर सकते हैं या फिर प्ले स्टोर से जाके हमारे जो एप्लीकेशन है टारगेटपुर डाउनलोड कर सकते हैं। एप्लीकेशन से क्या कीजिएगा, आप ज्वाइन कर लीजिएगा खोरठा कोर्स में। वहाँ आपको कुछ फ़ी देना पड़ेगा। फिलहाल जो ये फ़ी चल रहा है 1250 रुपया चल रहा है। तो ये फी आप देकर क्या कर सकते हैं, सारा वीडियो देख सकते हैं। इसके पहले दो बुक पूरी तरह से कंप्लीट हो गया है। एक आपका छाहिर है, एक आपका बुक क्या है, छाहिर है। छाहिर में क्या है, 10 कहानी है जो कि चितरंजन महतो चित्रा जी के द्वारा लिखा गया। तो ये पूरी तरह से कंप्लीट हो गया है और ये भी वीडियो आप वहाँ पर है। ऐसा नहीं है कि आप अभी परचेज करेंगे तो वीडियो आपको नहीं मिलेगा। आप जैसे ही परचेज करेंगे, एप्लीकेशन से जैसे ही जुड़ेंगे, आपको सारा वीडियो मिल जाएगा। इसके बाद दूसरा जो हम लोग पढ़े थे वो आपका क्या था, सौंध माटी। इसमें भी हम लोग ये विनोद कुमार जिसको लिखे हैं, इसमें भी 10 कहानी था जो कंप्लीट हो चुका है। और अभी जो आपका प्रेजेंट में चल रहा है खोरठा निबंध, बीएन औदार इसको लिखे हैं। तो ये तीन बुक, दो कंप्लीट हो गया है, तीसरा बुक चल रहा है। तो आप जितना जल्द से जल्द हो सके आप एप्लीकेशन से जुड़ें। इससे क्या होगा, 11 बुक का क्वेश्चन आंसर कहानी आपको याद रखने में थोड़ा सा समय लगेगा, और जैसे ही विज्ञापन आएगा तो उसमें क्या होगा, आपको ज़्यादा समय नहीं मिलेगा। तो चलिए अब लोग शुरू करते हैं सौ टाए चले हैं। खोरठा निबंध का जो पहला निबंध है जिसका नाम है सौ टाए चले हैं। इसके पहले आप लोग छाहिर और सौंध माटी दो बुक पढ़ लिए हैं, आज तीसरा बुक है। तो सौ टाए चले हैं या पहला निबंध है सौ टाए चले हैं। इसमें कुछ कुछ वर्ड आपका आएगा खोरठा का जो समझ में थोड़ा सा आपको दिक्कत होगा, तो उसका पहले चर्चा कर लेते हैं। एक आपका है करे करे। करे करे मतलब क्या होता है, धीरे धीरे, ठीक है, धीरे धीरे। इसके बाद है रदबदाय। रदबदाय मतलब होता है जल्दी जल्दी। रदबदाय का मतलब क्या होता है, जल्दी जल्दी। इसके बाद एक वर्ड आपका है फर्क। फर्क का मतलब होता है अंतर, यानी कि डिफरेंस। और मकिन। मकिन का मतलब क्या होता है, लेकिन। आप देखते हैं मुद्दा। मुद्दा का मतलब भी लेकिन होता है। की रकम। की रकम मतलब होता है किस प्रकार, किस प्रकार। और बनवैया गलिन मतलब बनाने वाला। इसके बाद है आय दरकार। आय दरकार मतलब होता है वास्तविक जरूरत। इसके बाद ज्योति। ज्योति का मतलब क्या है, जदि मतलब इफ। पखन। पखन का मतलब होता है पत्थर, पत्थर। और बेसी। बेसी का मतलब क्या होता है, अधिक। और बखेड़ा, तो बखेड़ा का मतलब क्या होता है, समस्या। ये कुछ वर्ड है, देख लीजिए। अब लोग क्या करेंगे, लाइन बाई लाइन पढ़ेंगे जिस तरह से हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं बुक। कहता है जी हाँ सौ टाए चले हैं, सौ टाए चले हैं, हम चले हो, वो चले हैं और तोनी भी चले हो। यहाँ फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन। हम चले हो, आप मतलब तोहिन चले हो, और वो चले हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन। मतलब सब टाइप चले, पहले व्यक्ति कर लिया, हम, आप और वह, ठीक है। हाँ इतना फर्क है, कोई कम चले है, कोई बेसी चले है। कहने का मतलब क्या, चलता तो हर कोई है, कोई कम चलता है, कोई ज़्यादा चलता है। कोई करे करे चले है और कोई रदबदाए चले है। करे करे, करे करे मतलब क्या होता है, धीरे धीरे। और रदबदाए का मतलब क्या होता है, जल्दी जल्दी। तो चलता हर कोई है, कोई धीरे धीरे चलता है, कोई जल्दी जल्दी चलता है। मकिन, चले है जरूर, मकिन मतलब क्या होता है, लेकिन।
लेकिन चले हैं जरूर और चलना तो पड़ेगा। कहता है यदि कोई ना चले तो ओकर कैसे चलता है, अगर कोई ना चले तो उसका कैसे चलेगा, कहने का मतलब रोजी रोटी, कोई अगर कुछ काम नहीं करेगा तो उसका कैसे जीवन यापन होगा। आगे देखिए, पर बात हियाँ दिगर है कि दिगर, एक वर्ड है दिगर खोठा में जो मैं आपको नहीं लिखे बताते हैं। दिगर का मतलब क्या होता है, दिगर मतलब होता है दूसरा, दिगर का मतलब क्या होता है दूसरा, ठीक है। तो कहता है पर बात यहाँ दिगर है कि ककरो बैठले बैठल चले है, ककरो तो आपन जागर ढहरले कोनो रकम चले है। कहने का मतलब क्या है समझिए, ककरो बैठले बैठले चल जाता है और ककरो मतलब जो सो काम धंधा मतलब चक करने के बाद चलता है। अब बैठले किसका चलता है, जिसके पास पूरा मतलब धन संपत्ति है उसका बैठले जीवन अपन चलते हैं, जिसके पास कुछ नहीं है वो कमाता खमाता है, ठीक है। केव ककरो चलाए ना दे है, यह बात है केव ककरो चलाए ना दे, कोई किसी का चला नहीं देगा, ठीक है। आपको अपना परिवार, अपना जैसे जो भी पारिवारिक खर्च है आपको खुद चलाना पड़ेगा, कोई किसी को चला नहीं देगा। सबके आपन आपन और आपन आपन तरीका से चली है, चलने वाला हर किसी का है लेकिन अपना अपना तरीका से लोग चलाते हैं। कुछ लोग देखे होंगे कि खाने में बहुत प्रकार से आइटम खाते हैं, कुछ लोग मरभत्ता खा लेते हैं मतलब चावल का केवल बॉयल सिझा हुआ, ठीक है। सजीव चले हैं निर्जीव चले हैं, मने सबटा चले हैं। कहता है सजीव भी चले हैं और निर्जीव भी चले हैं, लेकिन चले सब हैं। आप सोचिए कि निर्जीव कैसे चलता है, आप पढ़े हैं टेंथ से नीचे में पढ़े होंगे कि सजीव चलता है लेकिन निर्जीव नहीं चलता है, सजीव गति करता है निर्जीव गति नहीं करता है। लेकिन यहाँ लेखक के अनुसार बीएन ओहदार के अनुसार क्या है कि सबटा चले हैं, चाहे वह सजीव हो चाहे वह निर्जीव हो। आप तोहिन पूछवे कि सजीव तो चलवे करे है, निर्जीव की रकम चले है भला, आप लोग पूछिएगा। तोहिन, तोहिन का मतलब क्या, आप लोग पूछिएगा कि सजीव तो चलता है लेकिन निर्जीव कैसे चलता है। देखिए, पर जनाब निर्जीव चले है और 100% चले है, निर्जीव चलता है लेखक लेकिन 100% चलता है, कैसे चलता है। देखिए, जखन हड़ताली या प्रदर्शन करवैया गुलिन कोन्हो रकम काबू में ना आवत तखन देखवे लाठी की रकम चले है। कहने का मतलब है जो लोग हड़ताल करते हैं प्रदर्शन करते हैं और वो सब मतलब काबू नहीं आ पाते, मतलब जो है प्रशासन सुर काबू नहीं कर पाती है, तब क्या करती है लाठी चार्ज करती है, तो कहता है लाठियों चले है। आर प्रदर्शन करवैया गोलेन बाटे ले ईटा और पखन की रकम चले है। कहने का मतलब है ईटा और पखन, ईटा पखन का मतलब क्या होता है, ईटा तो आप जानते हैं ब्रिक और पत्थर का मतलब, ये पखन, पखन मतलब पत्थर, तो एक तरफ से लाठी चलता है पुलिस की ओर से लाठी चलता है, तो जो प्रदर्शनकारी होते हैं उधर से क्या चलता है पत्थर चलता है और ईटा चलता है, तो की पत्थर क्या है निर्जीव है, ईटा क्या है निर्जीव है, और वो जो डंडा चलाता है पुलिस लाठी चलाता है वो क्या है निर्जीव है, तो चले सब है। लाए हिया एगो बखेड़ा चल गए, कहता है यहाँ एक बखेड़ा चल गया, एक समस्या चल गया, हिंदी बचके गेले कहवे लाठी चलती है। कहता कि अगर हिंदी हम बोलेंगे तो हिंदी में लाठी क्या है स्त्रीलिंग है, लाठी चलती है हिंदी में, तो हिंद पूछ में चलता क्यों नहीं। मान ले ली क्रिया के रूप कर्ता के लिंग के अनुसार हवे है, कहने का मतलब है क्रिया का जो रूप होता है वो कर्ता के अनुसार से होता है, कर्ता के अनुसार से मतलब क्या सब्जेक्ट के अनुसार से, जो सब्जेक्ट में रहेगा वही क्रिया में लिंग मतलब डिनोट्स करते हैं। जैसे अगर हम बोलेंगे मैं पढ़ा रहा हूँ तो ध्यान रखिए पढ़ाना, तो पढ़ाना का रहा हूँ ये तो इस पता लगेगा कि पुल्लिंग है, और अगर कोई लड़की बोलेंगे वह पढ़ा रहा है, नहीं वह पढ़ा रही है, तो ये जो क्रिया में जो चेंज हो रहा है लिंग का कर्ता के अनुसार से होता है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट जो फर्स्ट में आता है उसको लोग क्या कहते हैं सब्जेक्ट कहते हैं, द पर्सन और एनी थिंग्स जो फर्स्ट में आप करेगा या फिर सेंटेंस में जो आपका काम करता है। इसके बाद देखिए, कहता है मकीन ई लाठी के कौन लिंग भेलक, कहता है लाठी कौन लिंग होलक, हम लोग खोटा बोलते हैं लाठी चले है, लाठी चले तो स्त्री मतलब पुलिंग हो गया, और हिंदी बोलते लाठी चलती है तो स्त्रीलिंग हो गया, तो हिंद कहबे कि लाठी तो स्त्रीलिंग है, ऐसा व्याकरण ने कहल गेले, व्याकरण हिंदी व्याकरण में कहता है कि लाठी चलती है, तो हिंदी व्याकरण में कहा गया है कि लाठी क्या है स्त्रीलिंग है। पर हम पूछो आखिर व्याकरण बनवैया गुलिन लाठी के लिंग निर्धारण की देख के कर ले, बड़ा अच्छा लेखक इसमें जितने भी निबंध है बड़ा इंटरेस्टिंग है, कहता है कि जो व्याकरण का रचना किया ठीक है जो भी किया तो कैसे कह दिया कि लाठी स्त्रीलिंग है,
आखिर उसका कुछ पहचान वैसा होना चाहिए पुरुषों की तरह, पुरुषों में लिंग होता है ठीक है, या फिर बच्चा होता है, तो लाठी के तो बच्चा भी नहीं होता है, तो कैसे कह दिया कि लाठी स्त्रीलिंग है? कवि सवाल किया, उसने लेखक सवाल किया है कि लाठी के छुआ पुता होवे पारे, लाठी का बेटा छुआ पुता मतलब बेटा बेटी, क्या लाठी का बेटा बेटी होता है? डंडा है ना घर में, डंडा देखे होंगे, तो उसका बेटा बेटी होता है? नहीं होता है, तो फिर आप कैसे कह दिए कि स्त्रीलिंग है? सवाल खड़ा किया। हाँ ये बात सही है कि धन्यात्मकता के आधार व्याकरण लिखो या गुलिन कुछ निर्जीव गुला के पुलिंग और कुछ स्त्रीलिंग मान के चलाए दिले तखने से चला जाए। साउंड मतलब क्या कहते हैं उसको लोग, फोनेटिक्स कहते हैं, फोनेटिक्स मतलब उच्चारण, उच्चारण के आधार पर कुछ लेखक जो स्त्रीलिंग को पुलिंग मान लिए हैं और पुलिंग को स्त्रीलिंग मान लिए, और तखन से मतलब तब से आज तक चलते आ रहा है। लेखक का कहना है कि यह भी बहुत गलती है, जो पुलिंग है उसको कुछ स्त्रीलिंग बना रखा है और जो स्त्रीलिंग है उसको पुलिंग मान के रखा है। देखिए यहाँ तक तो हो गया, मानुषिक समाज नियम चले हैं, कानून चले हैं कि ले समाज के, देश के, दुनिया के चलावे ले नियम कानून चलावे के आया दरकार भेजा है। अब यहाँ देखिए आया दरकार मतलब होता है वास्तविक जरूरत, आपको परिवार चलाना हो, देश दुनिया चलाना हो ठीक है, तो कानून का आया दरकार पड़ता है, नियम मतलब ये क्या हो गया वास्तविक जरूरत, बिना नियम का कुछ भी नहीं चलता है। ऐसे तो दुनिया मने पृथ्वी आपने ही चले है, यहाँ तुम लोग सजीन जी की बात कर रहे हैं, अब पृथ्वी की बात है कि पृथ्वी पृथ्वी भी चले है, पृथ्वी क्या है, पृथ्वी रनिंग करती है, घूमती है पृथ्वी, तो पृथ्वीओ चले हैं। भले भले ही पृथ्वी के चले के बात कहला पर गैलीलियो के फांसी चढ़ाए पड़ कहने का मतलब है, जब गैलीलियो ने कहा कि पृथ्वी चलती है तो उसको फांसी चढ़ना पड़ा, भले ही चढ़ना पड़ा लेकिन पृथ्वी भी चलती है। मगिन गैलीलियो के फांसी देला से पृथ्वी चले टा बंद भे गए कि, गैलीलियो जब बोले कि पृथ्वी गोल है, सॉरी पृथ्वी क्या करती है, चलती है मतलब घूमती है, तो उसको फांसी दे दिया गया, लेकिन कहने का मतलब ये है उसको फांसी देने से पृथ्वी चल, पृथ्वी का चलना तो बंद नहीं हो गया, आज भी चल रही है ना एकदम ना ठीक है, कहने का मतलब पृथ्वी जो है आज चलना बंद नहीं कर दिया है। दुनियाएं चलायमान है चलबे करत जब तक चांद और सूरज रह तक, कहता है कि ये दुनिया जो है चलायमान है, दुनिया चलते चलते रहेगा जब तक सूरज चांद रहेगा, ऐसा मतलब इस मतलब बहुत सारा यूज इसको डायलॉग के रूप में कहते हैं ठीक है, जब तक सूरज चांद रहेगा तब तक ये पृथ्वी क्या होगा या दुनिया क्या होगा चलते रहेगी, ये चलायमान है। आप ब्रह्मांड में पढ़े होंगे बिग बैंग थ्योरी जिसको लेमेत्रे ने दिया था, ये सब चीज़ गतिमान है, ग्रह है चाहे उपग्रह है चाहे स्टार है तारा है, और ये गतिमान ही रहेगा। हमर और तोहर कहले की होते, हम और आप अगर कहिएगा तो इससे क्या होगा, दुनिया तो चलायमान है, चलने ना तो जिंदगी हकई नहीं, चले चले के बात चले है तो मुंह बल है जी चले है, ककरो ककरो कैंची रकम जी चले है, कहता है चलने का तो मुंह भी चलता है, ककरो ककरो मुंह जो है सो कैंची की तरह चलता है, कैंची का कहने का मतलब है कुछ लोग बहुत ज़्यादा ही बोलते हैं ठीक है, तो कहता है चलने का तो मुंह भी चलता है और कैंची नियर चलता है, आँख चले है नज़र चले है और इशारा चले है, देखे ना आंखों आंखों में बात हो जाता है, आजकल के जो युवा पीढ़ी रहता है ना, अगर अगल बगल में लड़की लड़के लड़का बैठा है तो आंखों आंखों में बात हो जाता है, और एक बाहर निकलता है दोनों भी बाहर निकल जाता है रूम से, जबकि कोई प्रकार की बात नहीं होता, तो ये आंखों से भी बात चल मतलब आंख भी चले है, एक मतलब है इशारा चले है नज़र चले है और ये आंखों चले है। मानना पड़ेगा हमारे खोरठा के जो निबंधकार है लेखककार है बीएन औदार जी का, जो इतना बढ़िया बातों को संग्रहित किया है हर क्षेत्र से, सब टाइ चले है चाहे वो निर्जीव हो चाहे वो सजीव हो, कहता हाथ चले है लाइट चले है, चलिए बहुत अच्छा बोल रहा है, हाथ चले है लाइट चले है, कोई आदमी उल्टा पुल्टा काम करता है ना तो कहता ना ये लातों का भूत बातों से नहीं मानता है, उसको लात दो तीन लात देंगे हम लोग तो क्या, लात चले है लात चले है हाथ चले है और ककरो ककरो बातों चले है, जैसे कि कोई आदमी लात से मार रहा है, अरे छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो, तो उसको छोड़ देता है, तो यहाँ पर बातों चली है, तो लात चले है बात चले है हाथों चले है, अकॉर्डिंग टू भोगनाथ अवतार बी एन औदार, कहने का मतलब है बी एन औदार के अनुसार धरती में जितना कुछ है सब कुछ चलता है, और हम लोग जब साइंस पढ़ेंगे तो वहाँ पढ़ेंगे कि निर्जीव नहीं चलता है ठीक है। जहाँ तक बात के बात है
तो भैया ककरो कटी थिराए के चले है बात, मतलब कोई थिराए के चले, ककरो बात थोड़ी धीरे धीरे चले है, ककरो कोई बात चले है तो ककरो कोई बात तो ककरो नाई चले है, ककरो बात चले है ककरो बात नाई चले, लेकिन चले जरूर है। हाथ गोड़ चलावे से संबंधित है शैले, वो तो चलबे करते, हाथ गोड़ चलाने से संबंधित है, पैर से लोग आगे बढ़ते हैं, हाथ से काम करते हैं, लिखते हैं, पढ़ते हैं, खाना खाते हैं, तो ये सब चलने से संबंधित, ये तो चलबे करता है, ये तो नेचुरल है, तो चल भी करता है कि चले चीजें ला गई। लेकिन देखा तो ये पेट के यहो चले है, अब लेखक बता रहे कि पेटो चले है, पेट किसे चलता है सुनिएगा। आर जोदी मतलब जदी सच पूछा तो ये गो पेटे के चलावे खातिर गोटे दुनिया के कारोबार चले है। आप लोग अगर इतना पढ़ लिख रहे हैं तो एक पेट को चलाने के लिए, भले इसका उद्देश्य और भी कुछ रहता है, लेकिन मेन उद्देश्य होता है कि अपना जीवन यापन, अपना रोजी रोटी, पढ़ लिख के नौकरी लेंगे तो बढ़िया से रोजी रोटी लेना पड़ेगा, बाहर काम करने नहीं जाना पड़ेगा। तो कहने का मतलब है पेट तो चलबे करे है, ये गो पेट के खातिर दुनिया के कारोबार चले है, और दुनिया में कितना प्रकार के कारोबार है, क्यों ये कारोबार करते हैं, कुछ लोग रिक्शा का काम करते हैं, कुछ लोग पढ़ाने का काम करते हैं, कुछ लोग दुकान में काम करते हैं, तो जितना प्रकार का कारोबार है सबका उद्देश्य तो भरण पोषण ही है। ये बात दिगर है, मतलब ये दूसर बात है कि भर पेट ना सही आधा पेट चले है, कहने का मतलब भर पेट खा लीजिए नहीं चल पाइएगा, आधा पेट तो ऊपर चले, चलता जरूर है। हमारे जैसे तो खालियो पेट चले है, हम लोग का देश जो है खालियो पेट चले है। बिचकुन जोदी ई कहा कि हमारे देश यह खाली पेट चलाइया गुलेन संख्या मतलब बेसी है, खाली पेट गरीब मजदूर जो है इस सब की जनसंख्या थोड़ा सा ज्यादा है, तैयो हमारे देश चल रहा है और धर धड़ाले चल रहा है, मतलब हमारा देश फिर भी चल रहा है और बहुत अच्छा चल रहा है और धर धड़ाले चल रहा है, मतलब बहुत तेजी से रफ्तार से चल रहा है। तो यहाँ तक लोग पढ़े, आगे देखते हैं। जब चले चलावे की बात चले है, जब चले चलावे की बात चले है तो झूठ सच की बोले भाई, झूठ सच रद बदाए चले है, झूठ सच जो है आज के जमाने में रद बदाए चले है। देखिए रद बदाए मतलब क्या होता है, जल्दी जल्दी, तो झूठ सच रद बदाए मतलब बहुत चले, जल्दी जल्दी चले है। यदि प्रतिशत में नापे खोजे है तो 100% झूठ चले है, झूठ चलता है, और ये 50% नहीं, 60% नहीं, 100%, 100%, 100% झूठ चले है। सचो चले है मकिन वह रकम काम चले भर चले है, सच चलता है लेकिन सच बहुत कम चलता है, काम चले भर चलता है, इतना सच बोलता है जैसे काम निकल जाए, समझे ना। तोहिन तो जानबे करे हैं कि झूठ झूठ के ऑफिसों चले हैं। अच्छा ये झूठ का ऑफिस कहाँ है, झूठ का ऑफिस जो लेखक जी बताए हैं ये आपका कोर्ट कचहरी में है, कोर्ट कचहरी में लोग देखते हैं मर्डर करके भी जाते हैं उसके बाद बाइज्जत बरी हो जाते हैं, क्यों, वहां झूठ सच का मतलब पूरा चलता है। सेहो लुका चोरी ना है आंख दिखाड़ के चले है, कहता है जो झूठ चलता है 100% चलता है, झूठ के ऑफिसों चलता है, तो कोई नुकाय चोरी के मतलब चुपके चुपके झूठ नहीं बोलता है, दिन दहाड़े बोलता है, एकदम बेफिक्र बोलता है, ठीक है। ओकर से कते कते झूठ के सरदार गुलेन के रोजी रोटी चले हैं, जो वकील लोग रहता है या तो और भी लोग वहां रहते हैं, तो झूठ बोल के देखते ना तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, अब दामिनी देखे होंगे, ठीक है। तो कहने का मतलब उससे रोजी रोटी चलता है, आज के जमाने में बिजनेस हो चाहे कोर्ट कचहरी, झूठ बोलने से लोगों का रोजी रोटी चलता है। हुआ हाकिम हुकाम के हुक्म चले है, अब कोर्ट में जो हाकिम रहता है उसका हुक्म चले है, मतलब चले सब कुछ है। हुए मुकदमा चले है, घूस चले है और घूस दिए वाला भी चले है, वहां कहते हैं घूस चले है, आप जानते हैं कोर्ट कचहरी का चक्कर लगेगा ना, तो फिर पूछिए मत कितना पैसा खर्चा होगा, है ना। तो कहता है वहां घूस चले, काम ही नहीं होगा बिना पैसा का, और घूस लिए वाला भी वहीं चले है, जो पैसा लिया वही तो वहीं चल रहा है, टहल रहा वहीं चल रहा है, तो घूस भी चले है और घूस लिए वाला भी वहीं चले है, घूस लिए वाला चले है और घूस दिए वाला भी चले है, तो कोर्ट में जो देश घूस देता वो भी वहीं चलता है। आर तोहिन तो जानबे करे है याज काल एखने के चलती चले है, एखने के चलती मतलब जो झूठ सच कर रहा है वही सबका तो चलती है, वो सब कोर्ट कचहरी में क्या होता है, झूठ ही चलता है, वो सबका घर देखिए, वो सबका गाड़ी देखिए, तो वही सबके चलती चले है, मतलब वही सबका आजकल चलती है जो झूठ सच कर रहे हैं।
जखिन जखिन के चलती चले हैं, औखिन ठाट से अपन घर बार चलावत है। आज जकर चलती है ओकरे घर बार मतलब घर द्वार जे है से ठाठ बाट से चले है। याज काल एगो चीज बड़ी जोर से चल रहा है, आजकल एगो चीज जो बड़ी जोर से चल रहा है और वो है चोरी चलेख। आजकल चोरी बहुत ज्यादा चल रहा है, चोरी तो यंते पंते हवे है, मकिन एगो ठावे ओहो चले है और वो ठावे जहाँ परीक्षा चले है। बड़ा अच्छा लेखक जी है, बहुत खुशी की बात है कि पूरा संसार को मतलब निचोड़ ले आए हैं। ठीक है, कहता है चोरी तो चलवे करता, आप देखे होंगे साइबर क्राइम सब क्या है, चोरी है, घर में डकैती कर लेना, लोग रास्ते में जाते हैं बाइक है या फोर व्हीलर है बस है उसको लूट लेते हैं, चोरी कर लेते हैं, दिन में चोरी कर लेते हैं। कहता है इधर तो चोरी चलबो करे है और एक ठाव मतलब एक जगह वो भी है जहाँ चोरी चले है और वो कहाँ है, जहाँ परीक्षा चले हैं, जहाँ परीक्षा चले है वहाँ चोरी चले है। और हम लोग वहाँ परीक्षा में क्या करते हैं, एक दूसरे का कॉपी कर करते हैं और क्या कर जाते हैं, पास कर जाते हैं। लेकिन जीवन में जब एक दूसरे का कॉपी करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, फेल हो जाते हैं, क्योंकि हर किसी का जीवन अलग अलग होता है। चलिए, तो परीक्षा जहाँ चलता है वहाँ चोरी भी चलता है, परीक्षा भी चलता है, चोरी भी चलता है, मतलब सब चलता है। बात ये है कि आज काल परीक्षा चोरी के मधे यारी ही चले है। यारी चले मतलब क्या, एक देखा देखी चले है, माने जो भी परीक्षा चले है तो चोरी चलबे करे है, ये फिक्स है। जो भी चोरी ना चले तब तो परीक्षा ना चलता। कहता अगर चोरी ना चलने परीक्षा भी नहीं चलेगा। मकिन ना ही चले तो सवाले न किए है, हम तो पहले कहल हूँ कि सब टाए चले हैं। लेखक कहते हैं कि हम तो पहले ही कह दिए हैं कि सब टाए चले हैं ए टू जेड। सहले चोरियो चल तक परीक्षावक चल तक और आज तक ककरो इतना चलती ना चले है कि चोरी चले के रोक दे, और आज तक कोई ऐसा हो नहीं पाया है कि चोरी चलने को रोक देगा, तरह तरह से चोरी लोग करते हैं। कटियो कटियो चल तक मकिन चल तक जरूर। कहने का मतलब थोड़ा बहुत भी चलेगा, इशारा से भी चलेगा, चुटका से चलेगा, जैसे चलेगा, थोड़ा बहुत चलेगा ना, कटियो कटियो चलेगा ना, लेकिन चलेगा जरूर। बाहर बहराए ना चले सही, मकिन भीतर भीतर चले है। कहता बाहर बाहर नहीं चले हैं लेकिन भीतर भीतर चले हैं। लुकाए छुपाए के चलावे में के रोके पारतक, लुकाए छुपाए के चलावे में के रोके पारतक। मान ले ली पूरा पूरी किताब खोल के ना चले, मकिन पुरजी चले में के रोके पारतक। पुरजी मतलब हम लोग क्या करते हैं, अगर किताब से चोरी नहीं करते तो छोटा मोटा चुटका ले जाते हैं। कुछ लोग तो एडमिट कार्ड के मतलब जो बैक साइड था वहाँ लिख ले, कुछ लोग तो हाथों में लिख लेते हैं, यहाँ हाथ लिख लेते तो उसके बाद शर्ट पहन लेते हैं, बहुत प्रकार से चोरी करते हैं। ठीक है, किताब नहीं ले जाएगा लेकिन चुटका तो चोरी कर ही सकता है। अच्छा तो भाई, अब लेखक जी क्या कहते हैं कि अच्छा तो भाई चलते चलते एगो बात चलावे खोजे हूँ, मतलब जाते जाते एक बात रखना चाहते हैं। यदि आपने अपन घर परिवार अपन समाज अपन राज्य अपन देश और अपन दुनिया के चलावे हो तो आर देश के चलावे हाँ खूब चलावे हो आगू आगू चलावे हो तो एकर लागिन ये जरूरी है कि एगो ऐसा स्वस्थ परंपरा चलावा जो बहुत बहुत बच्चर तक चल जाए। कहने का मतलब लेखक अंतिम पैराग्राफ में बहुत अच्छा बात बोले हैं, हालांकि एक बैंक टाइप का ये निबंध है, बताते हैं कि हमारा देश हमारा समाज हमारा गांव हमारा परिवार ये तो चलेगा, लेकिन कब चलेगा, जब एक हमारे पास एक स्वस्थ परंपरा होगा तो एक लंबे समय तक हमारा देश समाज चलेगा। तो इस प्रकार से लेखक बताए कि धरती में जितना कुछ है सब टाए चले हैं, जो कि बहुत ही अच्छा निबंध था। तो इस प्रकार लेखक बताए कि सब टाए चले हैं। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।